ये वीडियो हम छपड़ा के दसों विधायक के निर्लज्जता पे बना रहे हैं। जी हाँ, निर्लज्जता पे। ये शब्द सुनने के बाद हो सकता है कि यहाँ के विधायक महोदय जो हैं, दसों विधायक महोदय जो हैं, वो हम पे एक केस कर दें कि हमने उनके मान का हानि किया है, यानी कि मान हानि का केस कर दें कि इस लड़के ने मुझे निर्लज्ज कहा है। लेकिन हम इसे बार बार कहेंगे कि यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो दसों विधायक हों या सांसद हों, सभी के सभी निर्लज्ज हैं। इसका कारण ये है कि जहाँ पे हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जहाँ पे अमृत महोत्सव के नाम पे बहुत सारे वादे किए गए हैं, बहुत सारे प्रचार किए गए हैं, छपड़ा स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसे आप दूर से ही देख पाएंगे, इतना प्रकाश वहाँ पे फैला हुआ है, छपड़ा का जो नगर निगम कार्यालय है उसको सजाया गया है, लेकिन ये जो पुल है, छपड़ा का एकलौता पुल है, ये सालों से अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ पे 10 से ज़्यादा वीडियोज किए जा चुके हैं, जो कि सारे जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे भी हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। अभी तक यहाँ पे लाइट नहीं जला। यहाँ के लोग इस बात से परेशान हो गए हैं कि हम बार बार यहाँ पे आते हैं और इस पुल के लाइट के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को थोड़ा भी शर्म नहीं है कि कोई आता है, चिल्लाता है, किसी का यहाँ पे बटुआ छीन लिया जाता है, किसी को चाकू मार दिया जाता है, लेकिन उन्हें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी फर्क पड़ रहा होता तो इसकी लाइटें जल रही होती। अब एक यहाँ से बाहर का जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको क्या ही पता है कि जब रात को यहाँ से कोई गुजरता है तो वहाँ पे खड़े हुए चार अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनका बटुआ छीन लेते हैं, उनका फोन छीन लेते हैं और उन्हें चाकू भी मार देते हैं। लेकिन ना इस पे कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है, ना किसी के कान पे जू रेंग रहा है। यहाँ के लोग तो अभी इतने रात में, रात के 2:30 बज रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई नहीं है। हमारे टीम के ही लोग हैं जो रोज़ हम लोग जब भी रात में निकलते हैं तो साथ में होते हैं। अंबर आ जाइए एक बार, अंबर हैं हमारे साथ। अंबर, हम लोग अभी तक कितना वीडियो किए हैं? 1 साल से लगभग हम लोग कवरेज कर रहे हैं इसका। 1 साल में ये हम लोग का नहीं भी होगा तो 11वां 12वां वीडियो होगा। और आज तक मतलब सब लोग यहाँ, स्थानीय लोग भी कुछ लोग करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, महीने में 1-2 बार यहाँ के स्थानीय लोग भी आवाज़ उठाते हैं, कोई कुछ मीडिया के लोग भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज तक कोई ना जनप्रतिनिधि इस पर एक्टिव हुआ है, ना प्रशासन एक्टिव हुआ है। वो चाहे आज विपक्ष में लोग आज हो गए हैं, जो पक्ष में थे ना वो एक्टिव थे, ना जो पहले विपक्ष में थे वो एक्टिव है, जो आज सत्ता में है। तो अब देखिए इसका क्या होता है। आज तक हम लोग 10-12 वीडियो तो कर ही दिए, लेकिन आज तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक एक लाइट नहीं जला है 1 साल के अंदर। गारंटी के साथ ये बात बोल सकते हैं कि एक लाइट नहीं जला है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ का स्थानीय निवासी है कुमार भार्गव, वो लिखे थे एक पोस्ट कि फिर से यहाँ पे छिनतई वगैरह की घटना शुरू हो गई है। हम लोगों ने पढ़ा था 5-6 दिन पहले पोस्ट। तो यहाँ पर प्रशासन आज तक एक्टिव नहीं हुई है, जनप्रतिनिधि आज तक एक पोस्ट तक नहीं लिखे हैं कि बनना चाहिए या कोई ये हुआ हो। कुछ लोग बता रहे थे बीच में कि हमने ज्ञापन भी दिया है, मतलब अलग अलग लोगों ने ज्ञापन दिया था या मतलब कुछ वैसा किया था, लेकिन आज तक लाइट एक्टिव नहीं हुई। अच्छा, पटना जाते हैं तो वहाँ की लाइटें, जो छोटी छोटी पुल होती हैं वहाँ की लाइटें जलती हैं, लेकिन इस साल भर से डूबा है, वो भी छपड़ा का एकलौता पुल है, अंतर क्या है? पटना रात में हम लोग 2 बजे, अभी जो 2:30 बजे निकले हम लोग वहाँ भी निकलते हैं रात में, कहीं गए आए तो जाते हैं या लेट नाइट हम लोग निकलते हैं, तो एक भी लाइट कहीं ऑफ नहीं दिखता है। अगर अप डाउन भी हो रहा है तो 2-4 दिन बाद वो चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे नेता रहते हैं, नेता घूमते हैं, नेता रात को 10 बजे निकलते हैं, उनकी सुरक्षा का डर है, सुरक्षा का डर है, वहाँ रात में इधर उधर जाते हैं, मतलब फेरबदल जो होता है इधर उधर, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे होता है चेंजेज, कुछ नहीं, वहाँ कोई लाइट खराब नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, प्रशासन भी अलर्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ की प्रशासन भी एकदम, मतलब जो निर्लज्ज आप बोले, प्रशासन भी निर्लज्ज है। अगर यहाँ के विधायक मंत्री जो हैं अगर निर्लज्ज हैं तो प्रशासन भी यहाँ निर्लज्ज है। प्रशासन को कुछ मतलब नहीं है कि उस पर क्या छीनतई होता है। अभी आप जाइए ना, 2 गो यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, वहाँ आपका छीन लेगा ना कोई, यहाँ आके बोलिएगा तो ये लोग नहीं जाएगा वहाँ पे, काहे जाएगा भाई, सिपाही है, चाकू मार देगा। हाँ, सिपाही है, क्या करेगा वो, अपने जानकारी से काहे लेगा। लाइट रहेगा तो हम देख भी लेंगे, अरे 2 आदमी है तो पीछे आके कहेंगे इसके साथ तो ही जाएगा, लेकिन लाइट है ही नहीं, कुछ दिखे नहीं रहा है, रात में अगर अकेले जा भी रहे हैं इमरजेंसी में, कहीं आ भी रहे हैं कुछ चीज़ में, तो आपको मार के छीन लेगा सब। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, हम लोग जब भी रात में निकलते हैं तो अकेले नहीं निकलते हैं। हम लोग जब निकलते हैं तो 4 आदमी 3 आदमी से कम हम लोग नहीं निकलते हैं, वो 2 बाइक से निकलते हैं, आगे पीछे अपना निकलते हैं, कि सुरक्षा का भाई डर होता है ना, सबको अपने जीवन का डर है, समझिए कि हम लोग रात में भी निकलते हैं तो 4-5 लोग निकलते हैं। अकेले आप जाइएगा यहाँ से
ये लोग भी पहचानता है कि यहाँ का कौन है यहाँ का कौन नहीं है। अधिकतर गांव के जो लोग होते हैं रात में स्टेशन उतरते हैं, हाँ रात में किसी इमरजेंसी में आते हैं जाते हैं, उनको तो मतलब पक्का छीन लेता है एकदम। हम लोग भी जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, कहिएगा तो आप आइए हम दिखाएंगे। दलील यहाँ पे ये दिया जाता है कि नीचे से कोई लाइट का तार काट लेता है, तो ये जितना 40 गो 50 गो से ऊपर ही लाइट होगा एक तरफ, सबका भाई तार थोड़े एक बाद में कोई काट देगा, सबका एक ही जगह से कनेक्शन थोड़े है। और काट भी देता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है ना जी, जो भी इसके देख देखा होगा। कोई कहता है कि रेलवे के अंदर है, कोई कहता है नगर निगम के अंदर है, लेकिन किसके अंदर है ये जलता है नहीं। अच्छा, जहाँ पे कमीशनवा लेना होता है, जो सड़क एक भी नहीं होगा जो बचा होगा, सब बन जाता है सब सड़क, देखिए ना इसी का सड़क इतना बढ़िया है, इसमें कहीं है कुछ कुछ नहीं है, यहाँ पे टूटा नहीं है, कहीं भी पुल नहीं टूटा है, पुल एकदम परफेक्ट है, सड़क एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे इस बात की बहस नहीं होती है कि ये जो सड़क है ये रेलवे का है कि नगर निगम का है कि विधायक जी के अंडर में आता है। अब आप इस बात से समझिए कि सड़क में अगर, क्योंकि सड़क जब बनेगा तो सबको कमीशन पास होगा, सबको कमीशन मिलेगा, जब लाइट भी लगा होगा ना तो सब लोग कमीशन लिया होगा, सबको कमीशन मिला होगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे सबको कमीशन मिला होगा, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे बनवाने वाला हो, चाहे जो पास कराया हो वो, चाहे यहाँ का अगर नगर निगम से पास हुआ है तो नगर निगम लिया होगा, अगर विधायक जी पास किए होंगे तो 20% वो लिए होंगे, आरओ भी पास किया होगा तो उसके भी अधिकारी लिए होंगे। लेकिन इसको रिपेयरिंग का काम है ना? हाँ, ये तो रिपेयरिंग के अंदर ही आता है ना, लाइट नहीं जलना या कुछ खराब होना कुछ भी तो रिपेयरिंग के अंदर है। तो लाइट यहाँ एक साल से हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं, हमको नहीं लगता है कि अब यहाँ का लाइट बनेगा, ऐसे ही आदमी आएगा जाएगा, आदि हो गया है आदमी भी जो डेली आने जाने वाला है। हाँ, अब लाइट को हटा देना चाहिए, झूठ मूठ का पोल लगा हुआ है, क्योंकि शहर के बाहर खाली यहाँ पे खाली पोस्टर टांगा जाता है। देखिए यहाँ पे 50 गो पोस्टर होगा, सब अलग अलग, उसमें कितना कितना प्रत्याशी होगा, सब उसमें कितना प्रत्याशी होगा, कोनो नेता का आगमन होगा तो उस पर टंगा जाता है स्पॉन्सर्ड भाई या हई प्रवक्ता हऊ प्रवक्ता टंगा जाता है, लेकिन एको को लाइट के लिए वही जो टंगवाता है वो आवाज़ नहीं उठाता है उस लाइट के लिए, कोई नहीं जो टंगवाता है वही नहीं उठाता है आवाज़ की कौन नेता मेरे आ रहे हैं। हर एक पार्टी का कोई भी नेता आएगा, चाहे वो भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो, रालोसपा का हो, लोजपा का हो, कोई भी आएगा बस एक पूरा पोल जो है स्वागत से भर जाएगा, उनको खुश करने में भर जाएगा, लेकिन इस बात पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि इस पोल पे लाइट जलना चाहिए। पोल बस पोस्टर टांगने के लिए बच गया है, बस सीधी सी बात है कि जो लाइट का पोल है वो बस पोस्टर टांगने के लिए बच गया है, स्टिकर स्टिक जो होता है उसमें फंसाया जाता है, उसी में टांगा जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इस पोल पे। मोदी जी के एक आह्वान पे हर घर पे तिरंगा लहर रहा है, देखिए यहीं पे एक घर है वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, बड़ी अच्छा लग रहा है देख के, बहुत बढ़िया लग रहा है देख के। लेकिन मोदी जी कभी ये भी कह देते हैं कि शहर का लाइट ठीक हो जाए, शहर का सड़क ठीक हो जाए, तो हो सकता है कि जिस लालसा के साथ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो इसको ठीक करा रहे हैं, हर घर में तिरंगा लगवा रहे हैं, वैसे ही सारे पुलों का लाइट ठीक कर दें। बगल से लाइट देखिए, अब सारा पुल पे लाइट जल रहा है, एक भी पुल ऐसा बाकी नहीं है जिस पे लाइट नहीं जल रहा है, सारा पुल पे इधर से लाइट जल रहा है एकदम। लेकिन जैसे ही पोल खत्म होता है और इधर का पोल शुरू होता है आपके इसका ओवरब्रिज का, वो पोल पे एक भी लाइट नहीं रहता है, एक भी, जैसे पोल खत्म हुआ एक भी लाइट नहीं है, सब लाइट बंद है यहाँ का। चलिए, बाकी हम उम्मीद क्या ही कर सकते हैं, देश हमारा अमृत महोत्सव मनाया है, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त की रात्रि में हम यहाँ पे हैं, लेकिन हम बस इसी उम्मीद के साथ हैं। ये 11वां वीडियो है हम लोगों का, या 12वां है, 11वां वीडियो है, 11वां, और फिर से हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, कितने बड़े निर्लज्ज हैं कि लोग रोज यहाँ पे छिनवा के चला जाता है, चाकू मरवा के चला जाता है। आजादी का लेकिन महोत्सव तो देश मना रहा है, लेकिन इस ओवरब्रिज का अंधकार का जो आजादी है कब खत्म होगा इसका, ये किसी को पता नहीं है कि अंधकार में ये डूबा रहेगा या खत्म भी होगा इसका अंधकार। चलिए, रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं हूँ ऋषभ छपरा, अपडेट के लिए कैमरे के पीछे सुमंत है, बहुत बहुत धन्यवाद।